नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों में 4 अप्रैल को होगी वोटिंग। मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निर्वाचन क्षेत्रों में 4 अप्रैल को वोटिंग होगी, मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदाताओं के लिए भी कई सारे गाइडलाइन जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार विधान परिषद के 24 स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हो रहे चुनाव के लिए प्रचार आज यानी कि शनिवार को 4 बजे थम जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार को मतदान कराया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, सोमवार को मतदान कराना है और आयोग की तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। आयोग की ओर से मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और मतदाताओं के लिए खास गाइडलाइंस भी जारी किया गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशी नगर निकाय के प्रतिनिधियों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं और 7 अप्रैल को काउंटिंग भी होगी। तो देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं। लगातार कई नेताओं ने प्रचार प्रसार किया है, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर अगर बात कर ले सत्ता पक्ष के नेताओं की, तो सभी ने जोरों शोरों से एमएलसी चुनाव को लेकर प्रचार भी किया है। और इस बार अगर बात करें तो बोचहा सीट हॉट सीट बनकर रह गई है, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में काफी दिलचस्प हो गया है ये उपचुनाव और ऐसे में मतदान को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी हो गई हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, उपचुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए स्थानीय प्राधिकार के चुनाव होने हैं और जिसको लेकर जो प्रचार प्रसार चल रहा था वो, हालांकि जिस तरीके से जो तमाम नेता है वो कर रहे थे, हालांकि आज देर शाम तक प्रचार प्रसार जो है हो जाएगा, क्योंकि 24 सीटों पर प्राधिकार के चुनाव होने हैं और 4 तारीख को इन चुनाव जो है वो शुरू होगा। 4 तारीख को चुनाव होने वाले जो प्रचार प्रसार है वो थम जाता है, आज देर रात देर शाम तक जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। जो तमाम 24 सीटों पर प्राधिकार के चुनाव होने हैं उसको लेकर जितनी भी तैयारियां हैं तो तमाम नेता अगर हम बात करें तो खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एमएलसी चुनाव को लेकर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया है। और बोचहा सीट का भी हम जिक्र करना चाहेंगे कि वहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या लगता है इस बार की स्थिति कैसी होने वाली है? बिल्कुल पूछा, देखिए स्थानीय प्राधिकार के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर से तमाम उन जगहों पर चुनाव प्रचार प्रसार किया है जहां पर उनके उम्मीदवार थे। हालांकि जो जिस तरीके से आपने बात किया बोचहा विधानसभा सीट पर, उसके लिए भी बता दूं पूजा कि बोचहा विधानसभा सीट पर 11 तारीख को जो वोटिंग है वो होनी है। हालांकि जो एमएलसी चुनाव है उसको लेकर 4 तारीख को ही होनी है। तो बोचहा के लिए अभी फिर से जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो अभी चलता रहेगा। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, क्योंकि एक तरफ मुकेश सैनी है, एक तरफ बीजेपी है और तीसरी तरफ तेजस्वी यादव के जो उम्मीदवार है अमर पासवान यानी कि मुसाफिर पासवान के बेटे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने वाली चीजें होंगी कि क्या इस बार वहां पर जातिवाद वोट होता है, सिंपैथी वोट मिलता है या फिर विकास को लेकर वोट दिया जाता है। बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, सोमवार को मतदान होता है और ऐसे में जब सोमवार को मतदान होगा तो जनता ने इस बार क्या फैसला सुनाया है ये भी दिलचस्प देखना होगा, क्योंकि इस बार अगर हम बात करें तो टक्कर सीधे सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी है और लगातार यहाँ पर एमएलसी चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर जो मुकाबला जो सियासत देखने को मिली है, तो नतीजे भी देखना बेहद दिलचस्प होगा।